हेलो दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मेरी रियलिटी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महिपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, गरीबी क्या होती है मैंने बहुत ही करीब से देखा है। आज से करीब 10-15 साल पहले की बात है, जब मैं छोटा था, किसी दिन पेट भर खाना मिलता था तो किसी दिन भूखा ही सोना पड़ता था। सुबह खाते तो शाम का कोई उम्मीद नहीं रहता था कि शाम को कुछ खाने को मिलेगा भी या भूखा ही सोना पड़ेगा। कभी दाल सब्जी ना होने की वजह से चावल में नमक और पानी मिला करके खा लिया करते थे, पेट भर लिया करते थे, तो कभी रोटी में पानी और नमक मिला करके खा लिया करते थे। तो ये होती है असली गरीबी। अब चलिए मैं अपना आपको घर दिखाता हूँ। अभी तो पहले से बहुत कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी ना ही मेरे पास कोई गाड़ी है, ना ही पक्का घर है और ना ही खाना बनाने का कोई सिलेंडर, गैस, चूल्हा। आज भी मेरे घर में लकड़ी से ही खाना बनता है। मम्मी लोग 5-6 किलोमीटर दूर से पहाड़ से लकड़ी चुन के लाया करते हैं सूखा सूखा, और उसी से खाना बनता है। तो चलिए मैं आज आपको अपना घर का भ्रमण कराता हूँ, दिखाता हूँ कि मेरी रियलिटी क्या है। आपको लगेगा कि मैं अपने आइडियो में आप लोगों को झूठ बोलता हूँ, क्योंकि आज इतना पॉपुलर हो चुका है दुनिया कि किसी की गरीबी, कोई कितना नीचे क्यों ना, लोअर फैमिली से, मतलब कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी का हाथ पकड़ के ऊपर खींचना नहीं चाहता है, और कोई ऊपर उठ गया तो उसका पैर जरूर पकड़ेंगे। ये मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है, रियलिटी है ये। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक बार मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिला करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। हेलो दोस्तों, मैं अपने खेत पर आके बैठा हुआ हूँ। मैं यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ चल के। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको दिखाई दें और आपको मिल पाएँ। मैं अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉगिंग भी बनाऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग में घर पे हूँ, अभी हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, और मैं जाऊंगा बाहर तो उधर भी आपको दिखाता चलूंगा और दिखाऊंगा अच्छा अच्छा प्लेस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे जगह जा करके दिखाने के लायक बन पाऊँ। और मेरा हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा चैनल को चेकआउट कर लें, और वहाँ पर जो भी अच्छी अच्छी वीडियो हैं उसको देखें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ, यहीं पे जहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं। पहले तो ये महुआ का पेड़ है, बहुत बड़ा झाड़ है मेरे घर के सामने। ये घर मेरा पीछे देखिए, उधर साइड में घर बना हुआ है। तो मैं अभी नज़दीक भी जाके आपको दिखाऊंगा। पहले ये पेड़ आप देखिए, महुआ का पेड़ है मेरे पीछे। मैं यहीं पे बैठ के अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो चलिए बैक कैमरा से, मैं यहाँ पे गेहूँ का खेती हुई है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, गेहूं का खेती किया गया है यहाँ पे। कुछ ज़मीन भी है हमारे पास, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत खेती कर लेते हैं, उसी से हम लोगों का गुजारा बसेरा चलता है। देखिए ज़्यादा नहीं बोया है, यहीं पे थोड़ा सा है, आगे तक दिखाई दे रहा है। ये जितना भी आप सामने देख रहे हैं, ये सब महुए के पेड़ हैं, महुआ जिसे आप जानते होंगे। थोड़ा सा वहाँ पे सामने देखिए, मकाई भी बोया हुआ है। चलिए मैं पास से दिखा देता हूँ मकाई। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, जिससे कि मुझे आगे इस तरह का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। ये देख सकते हैं आप, मकाई बोया हुआ है यहाँ पे। अभी रात में एक बैल छूट गया था तो ये यहाँ पे खा भी लिया है, तो इसलिए छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया था। यहाँ पे सामने जहाँ पे घर देख रहे हैं, यहाँ पे एक किराना स्टोर है छोटा सा, पर अभी खुला नहीं है। यहाँ पे रोड है, ये रोड सीधे गजरा भरा बैढ़ान सिंगरौली के लिए निकल जाती है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा
पेड़ हो गया है, मतलब कमर करके। तो चलिए इधर से घूम के इस तरह से मैं वहां अपने घर तक आऊंगा। यहाँ पे एक तालाब टाइप का है जो कि मैंने ही खोदा था, इसमें यहाँ का मिट्टी निकाल के और रोड में भेज दिया था। रोड वाले यहाँ से मिट्टी उठा ले गए थे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पत्थर था, तो पत्थर होने की वजह से यहाँ खेती होती ठीक से होता नहीं था, तो मिट्टी निकाल दिए हैं, तालाब टाइप का बन गया है। सोचा था इसमें से मछली पालन करने के लिए, लेकिन अभी बहुत अच्छे से बन नहीं पाया है और उतना ज़्यादा अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे बीच, तो फिर इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं 2-4 साल में कुछ न कुछ करेंगे इसमें। चलिए बैक कैमरा से भी मैं दिखा देता हूँ आपको इधर का तालाब एक बार। ये देखिए पूरा पीसी से यानी पोकलैंड मशीन से ये पूरी पत्थर निकाला हूँ, मैं ही निकाला हूँ। देखिए इसमें मैं 2000 मछली पाला हुआ था पिछले साल, लेकिन इस साल कुछ नहीं है। अभी 2-4 मछली थे तो कुछ लोग इसमें से पानी निकाल के और मार खा गए हैं। इस प्रकार का बनाया हूँ, इसको क्लीन करके इसमें मछली पालन करने का सोचा हूँ। एक उधर पीछे साइड भी है, इस महुआ का पेड़, ये महुआ का झाड़ है, इसके उस साइड में आप देखेंगे एक और तालाब टाइप का गड्ढा खोदा गया है। इसमें सब में मछली पालने का इरादा है मेरा। ये गेहूं है, गेहूं तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये आप देख सकते हैं। ये मछली पालन के लिए बहुत अच्छा जगह है, बट क्या है थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए घर तरफ चलते हैं, उधर ही देखते हैं। मैं बोला हूँ आपको अपना घर दिखाता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इसमें मछली पालने का इरादा है मेरा पूरा। ये पीसी मशीन, पोकलैंड मशीन से ये पूरा पत्थर निकाला हूँ मैं पिछले साल। यहीं पे सराई से झुरी रोड बन रही थी, तो यहीं पे एक मशीन पकड़ लिया था मैं, यहीं चला रहा था। इसके बाद वो मशीन यहाँ से उठ गई क्योंकि रोड का काम कंप्लीट हो गया था। ये बड़ा वाला टावर खंभा भी यहाँ पे है बिजली वाला, जो कि सिंगरौली NTPC से निकल करके आई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे धान का पियरा है, हम लोगों का इतना धान निकला हुआ है, इतना मतलब पियरा निकला हुआ है। धान तो अभी सब सेल भी हो गया जितना भी था, और बाकी कुछ खाने पीने के लिए घर वाले रखे हैं मम्मी पापा लोग, दो छोटे छोटे गाय हैं और पापा बैलों को ले गए हैं जोतने के लिए, हल चला रहे हैं। चलिए चलते हैं घर तरफ, घर आ ही गया है मेरा। ये देखिए सामने घर है, दिखाता हूँ घर। ये एक पापा ने शुरुआत किया था छोटा सा घर बनाने के लिए, इसमें बैल वगैरह रखने के लिए, तो इसको छवा नहीं पाए थे, थोड़ा दिक्कत हो गया था, पैसे वैसे नहीं मिल पाया था उसके वजह से, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था पिछले साल। तो ऐसे कुछ पियरा वगैरह डाल के अभी बैल रख रहे हैं इसके अंदर। अब बोर, तो यहाँ पे बोर है, बोरिंग कराया गया है यहाँ पे, बोर है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा लाइट सही से नहीं आ पा रहा है। चलिए मैं यहीं से अपना घर दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। दोस्तों सबसे पहले ये आलू देख लीजिए, यहाँ पे आलू लगाया गया है। इसके बाद ये है घर मेरा,
मिट्टी का घर है और अभी बारिश के टाइम पे बहुत परेशान करता है क्योंकि पानी गिरने लगता है अंदर। अब क्या बताएं, थोड़ा सा समस्या तो है ही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी। ये मेरा घर है, चलिए ऐसे आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा घर है, ये बैक साइड का घर है। यहाँ से ऐसे ऐसे रोड गई हुई है, ये सीधी के लिए निकल जाती है रोड और ये सिंगरौली के लिए, इधर बस जस्ट बगल से ही रोड गई है इधर से। अब देख सकते हैं इधर हमारा घर है और यहाँ पे थोड़ा धनिया और राई का खेती किया गया है हल्का फुल्का। इधर सामने साइड में कुआं है, कुआं भी मैं आपको नजदीक से थोड़ा दिखा देता हूँ। गाइज आप लोगों को ये अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये हमारा कुआं है, देखिए यहाँ पे पानी आज भरा गया है इस तरह। ये मोटर का पाइप देखिए लगा हुआ है, यानी बोर से पानी यहाँ पे डालना पड़ता है और कभी लाइट वाइट नहीं आता है तो फिर यहीं से चलता है हमारा काम, पीने उने का और बाकी घर का जो भी जरूरत का पानी होने की जरूरत पड़ता है जहाँ भी। और यहाँ नहाने धोने का बना हुआ है। अभी इस साइड का मेरा घर है, छोटा सा कटहल का पेड़ है, एक पपीता का पेड़ है और इसे आप क्या बोलते हैं, हम लोग अपने यहाँ मुनगा बोलते हैं, ये मुनगा का पेड़ है। ये है हमारा किचन, आप यहाँ पे देख रहे हैं खाना वाना बन रहा है, बेटू खाना बना रही हैं। अभी क्या सब्जी डालोगे उसमें, डालो थोड़ा दिखा दो डाल के। ये बात देख रहे हैं दोस्तों, हमारे यहाँ लकड़ी से खाना आज भी बनता है और ये शायद चावल बन चुका है, ये चावल बन चुका है, उधर दाल पक रही है और ये सब्जी आलू वगैरह कटा हुआ है। ये देख रहे हैं छोटा सा किचन है हमारा, यहीं से सब कुछ होता है। नेक्स्ट ये आ गया हमारा रूम, यहीं पे बेटू पढ़ाई लिखाई करती है अपनी। और ये है मेरा रूम, इसके अंदर लाइट वाइट है कि नहीं, लाइट है अभी, चलते हैं अंदर। ये आ गए अंदर, दिस इज ड्रेसिंग टेबल, कूलर और ये है आलमारी। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो अगर मतलब पसंद आए तो मैं इसी तरह आपको वीडियो और ब्लॉग दिखाता रहूंगा और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ये बेटू बेटू बोल दो इधर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। ये हैं वैसे मेरे वाइफ हैं और जो आप रीवा में एक स्कूल देखे थे, जेल मार्ग रीवा सरस्वती शिशु मंदिर, वहीं ये पढ़ाई करके अभी अभी निकली हुई है, अभी तो ये कॉलेज कर रही है। पर एक बार हाय बोल दो और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ फिर मिलेंगे, इस तरह मिलते रहेंगे डेली डेली। तो बाय, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।